नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और मैं भी हूं मैदान में। कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने। वार्ड 9 में आज हमारी टीम पहुंच चुकी है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रवेश कुमार, और उनका कहना है कि क्षेत्र में विकास कराने हैं, लेकिन क्षेत्र में क्या परिवर्तन चाहिए और कितने बदलाव की अभी तक जरूरत है और किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या किस तरीके की प्रॉब्लम है आपके क्षेत्र में। हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़े पहले है पानी की, और दूसरी प्रॉब्लम है नाली की, और दूसरी तीसरी प्रॉब्लम है विकास हमारा यहाँ का सही होना है। इस मुद्दे पे हम खड़े हुए हैं। आपने क्या चुनावी मुद्दे तैयार किए? हमने चुनावी मुद्दे खड़े हैं, हम हमारे भाई लोगों की कुछ सुनवाई नहीं होती, हम इन भाई लोगों ने हमें खड़ा किया है और इसके लिए हम वो है करें। क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिले। क्या उम्मीदें हैं जनता? जनता से ये उम्मीद है, भाई लोगों ने खड़ा करा, हम इसके उपाय इनसे जुड़ोगे। क्या आगे आगामी अगर रिजल्ट देखें तो क्या देखेंगे? अच्छा मिलेगा। क्षेत्र में किस तरह की प्रॉब्लम है अभी? प्रॉब्लम अभी ये है, नाली है, सड़कें हैं, पानी की समस्या, लाइट है, इसके लिए हम वो उपस्थित। अच्छा, अगर क्षेत्र में बात करें कितने प्रत्याशी हैं आपके? हमारे प्रत्याशी है 850। नौ। किससे फाइट मांगना चाहिए? हम तो बसपा से। बाकी और जो पार्टी है उनका जनाधार क्या है? उनका हमें नहीं पता। आप किस बेस पे आप मान के चल रहे हैं कि मैं विजयी हूँ? कुछ है, हमने विजय कर रहे हैं, हमारी जनता आवाज साथ है, हम इनके ऊपर विजय कर। क्षेत्र की जनता से क्या अपील रहेगी? अपील यही रहेगी, हमारी जनता साथ रहेगी, हम अपील भाई लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमारा साथ है, हम उनके साथ हैं। अगर क्षेत्र अगर बात करें नगर निगम से, कितने किस तरह से काम करेंगे नगर निगम? नगर नियम से हम नगर नियम के बाद को जाएंगे, पहले अपने पास से कराएंगे। अगर अगर यही चीज़ें थी कि अपने पास से ही कराना, तो शायद चुनाव में आने की जरूरत है। चुनाव भाई लोगों ने हमें उठाया है, हवाई लोगों से साथ है, तो हम उसके साथ हैं। समाज सेवा भी एक जरूरी हो सकती थी? हाँ बिल्कुल। तो समाज सेवा एक अलग पहलू है और राजनीति एक अलग पहलू है, तो आपने राजनीति को ही क्यों चुना? राजनीति के लिए ये चुना, हमारे लोगों ने उठा लिया, हम राजनीति में आ गए। आज कितना परसेंट आप मानकर चल रहे हैं कि आपको वो होती है? 50%। अच्छा, क्षेत्र की जनता से अपील कीजिए। हम अच्छे से अच्छा जनता से वो वोट मानने जाते हैं, हमारे साथ है, वोट वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। इधर हमारे साथ में प्रत्याशी जी, जिन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। देखना ये होगा कि क्षेत्र की जनता इन पर कितना भरोसा जताएगी, 29 तारीख में किसके पक्ष में वोटिंग करेगी, लेकिन और 1 तारीख में किसके सर पर ताज सजेगा, ये आने वाला अभी वक्त बताएगा। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी।